विधायक जी शमशान में। गलत मत समझें, ये एक वाक्य है जिसका जिक्र हम आपसे करने जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी जिले में एक जगह है पाराकोल। ये एक विधानसभा क्षेत्र है जहां के विधायक हैं तेलुगुदेशम पार्टी के निम्माला रामानायडू। 22 जून 2018 से 24 जून 2018 तक रामानायडू खबरों में बने रहे। 3 दिन शमशान में अपनी रात बिताने वाले रामानायडू शमशान में यूं ही नहीं पहुंच गए। दरअसल पालाकोल में जो शमशान है उसकी हालत बहुत ही जर्जर हो चली थी। दाह संस्कार से संबंधित किसी भी तरह की कोई सहूलियत यहाँ नहीं थी। ऐसे में विधायक रामानायडू ने यहाँ के शमशान को ठीक कराने का बीड़ा उठाया और इस काम के लिए राज्य सरकार से 8 महीने पहले 3 करोड़ रुपए पास करवाए। पैसे मिल गए, टेंडर भी निकाला गया, टेंडर एक नहीं दो दो बार, मगर कोई ठेकेदार राजी नहीं हुआ। लेकिन कोशिश जारी रही। तीसरी बार टेंडर फिर निकाला गया और किस्मत से एक ठेकेदार तैयार हो गया, मगर उसके मजदूर तैयार नहीं हुए क्योंकि मजदूरों का कहना था कि इस शमशान में भूत रहते हैं। मजदूरों को कई बार समझाने की कोशिश हुई मगर उन पर भूतों का खौफ छाया रहा। जाहिर है भूतों या भूतों के खौफ को भगाना जरूरी था। विधायक रामानायडू के लिए एक बड़ी समस्या थी। अंत में थक हार कर हाईली एजुकेटेड रामानायडू ने तय किया कि अब वो शमशान में रुकेंगे, वहीं खाएंगे और वहीं सोएंगे। 22 जून से लेकर 24 जून 2018 तक विधायक जी शमशान में रहे पूरी मुस्तैदी के साथ। रामानायडू की ये पहल आखिरकार रंग लाई और मजदूर काम पर आने लगे। भूतों का खौफ और उनसे जुड़ी कहानियां खत्म हो गई और शमशान के नव निर्माण का काम जोरों पर है। रामानायडू शाबाशी के हकदार हैं। NTI पॉकेट TV के लिए नीरज वर्मा की रिपोर्ट।